नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यह पांच वस्तुएं किसी को भूलकर भी उधार ना दें, अन्यथा घोर गरीबी आती है, दरिद्रता आती है। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति के पुराने कपड़े पहनने से भी व्यक्ति को दरिद्रता और बीमारी आने का योग बनता है। तो वह कौन सी पांच वस्तुएं हैं जो किसी को अपने घर से उधार नहीं देनी चाहिए? और भी कुछ बहुत आपके काम की जानकारी आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले मैं विषय को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। साथियों, अपने घर का कंघा, अंगूठी और नमक किसी को उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता आएगी, गरीबी आएगी, इसके स्पष्ट योग बनते हैं। साथ ही साथ में जरूरत में जब आपको आवश्यकता है तो किसी का बिस्तर उधार ना लें। दूसरे व्यक्ति का बिस्तर यूज करने से, प्रयोग करने से या किसी व्यक्ति के मांगे हुए कपड़े पहनने से भी बीमारी और दरिद्रता दो चीज़ों के आने का योग बनता है, क्योंकि व्यक्ति की नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी उसके कपड़ों से, उसके बिस्तर से और उसके व्यक्तिगत चीज़ों से बड़ा गहरा संबंध रखती हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें। साथ ही साथ में कोई भी माता बहन जो विवाहित हैं, श्रृंगार का सामान उधार ना लें, ना दें। बिंदी है, चूड़ी है, आपके व्यक्तिगत जो गहने हैं, ज्वेलरी का सामान है, बिल्कुल भी आपको किसी को यूज के लिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपकी नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का जो कनेक्शन है उनसे रहता है और उसके ऊपर दूसरे व्यक्ति के ग्रह नक्षत्रों का, उसके भाग्य दुर्भाग्य का प्रभाव पड़ सकता है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मैं कामना करता हूँ यह जानकारी ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।